एवरी वन, वेलकम बैक टू अगेन माई चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आने वाले मंथ में या आने वाली डेट्स में एग्ज़ाम देना है। देखिए, आइल्स का जो स्पीकिंग टेस्ट है उसके क्यू कार्ड्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि न्यू प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट के लिए जो स्पीकिंग में अच्छे नहीं है। अगर आपकी स्पीकिंग 6 या 5.5 की है तो आपको बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्यू कार्ड्स हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि जनवरी मंथ में आप एग्ज़ाम बिल्कुल मत फिल करें, क्योंकि अगर आप जनवरी मंथ में एग्ज़ाम फिल करेंगे आपके बैंड स्कोर बिल्कुल नहीं आने वाले। देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि न्यू ईयर है और IDP वाले न्यू ईयर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से क्यू कार्ड्स आपको पुट करेंगे। एज़ वेल एज़ आप ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि फॉलोअप्स का पैटर्न क्या रहेगा। और हर साल की तरह, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है कि हर साल जनवरी में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एग्ज़ाम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्पीकिंग में अगर आपको अच्छे बैंड लेने हैं तो फरवरी मंथ बेस्ट है। अगर आपकी स्पीकिंग है अच्छी है 6.5, 7, 8 की है तो आप डेफिनेटली जनवरी मंथ को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉन्शियस रहिए, क्योंकि आपकी मनी वेस्ट होगी, कोचिंग की इतनी इतनी फ़ीस होती है वो भी आप ख़राब करेंगे। देखिए आईएलटीएस एग्ज़ाम की खुद की फ़ीस ही आजकल 16,000 रुपये आ चुकी है, किराया भाड़ा इतना फ़ीस लगता है। तो आप प्लीज़ गाइस अपनी मनी को वेस्ट मत कीजिएगा। जब तक आप अपने रीडिंग में और स्पीकिंग में गुड स्कोर नहीं कर लेते, लाइक अगर आपके 6.5 मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके आ रहे हैं देन बेस्ट है। अदरवाइज़ गाइज अगर आपके 6 आने लगे तो आप कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि हाँ मैं फिल कर दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैंने बताया और मेरी नाम आने के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्या है कि बैंड लॉस हुआ है। वो एक बार आ जाते, हवा में आ जाते, अगर उनके इंस्टीट्यूट में एक बार 6, 6.5, 7 बैंड आ जाए एक दो बार, तो वे सोचते कि हाँ वी आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द टेस्ट। सो ये आपको अपने आप को सोचना है कि अगर आप सच में एलिजिबल हैं, अगर आप सच में कॉन्फिडेंट हैं तो आप डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज आपको 4-5 बार प्रैक्टिस टेस्ट देखने होंगे। अगर आपके बार बार सेम बैंड स्कोर आ रहे हैं लाइक 7, 6.5 देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू हैव टू प्रैक्टिस। और गाइज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मकड़ आइल्स की बुक में से आजकल क्यू कार्ड्स जो है उससे बाहर से भी आ रहे हैं, आउटसाइड से आ रहे हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप सिर्फ मकड़ आइल्स की बुक पर डिपेंड नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए अब सितंबर मंथ में जो न्यू क्यू कार्ड्स रिलीज़ हुए थे उससे बाहर से शू फैक्ट्री में, चॉकलेट में बहुत डिफरेंट जो क्यू कार्ड्स हैं वो पूछे गए। फॉलोअप्स तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, फॉलोअप्स के बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इसलिए जो है आजकल स्पीकिंग जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो प्लीज़ जनवरी मंथ में आप ना फिल करें। जनवरी मंथ में न्यू क्यू कार्ड आते हैं और न्यू फॉलोअप्स का पैटर्न चेंज होता है, तो वो सब आपको पता चलेगा। सो बेस्ट रहेगा कि फरवरी में आप फिल करें अगर आप वीक है स्पीकिंग में तो। और एक बात और गाइज कि अगर आपको स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स और प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ पे मिलेंगे। आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए, और आने वाले न्यू क्यू कार्ड्स पे आपको सिर्फ इसी चैनल पे वीडियोज़ मिलेगी। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव देयर एग्जामिनेशन ऑन नेक्स्ट डेट्स एंड नेक्स्ट मंथ। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।